दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच अब T20 श्रृंखला चली हुई है, जिसमें कल पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका की टीम को 62 रनों से हराया। अब दोस्तों भारतीय टीम की उम्मीद 26 फरवरी को होने वाले दूसरे T20 मुकाबले को भी ऐसा ही प्रदर्शन कर उसको जीतने की होगी। दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये तो बताएंगे ही कि भारत और श्रीलंका के लिए होने वाले दूसरे T20 मुकाबलों के लिए क्या रहने वाली है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और ईशान किशन में से शानदार बल्लेबाज कौन है? इसका जवाब आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ओपनिंग करने के लिए आएंगे रोहित शर्मा और ईशान किशन। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने जब पिछले मुकाबले में ओपनिंग की थी तो वहां पर भी जबरदस्त साझेदारी की थी और श्रीलंका के गेंदबाजों को तारे दिखा दिए थे। दोस्तों ये दोनों बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान श्रीलंका के खिलाफ पिछले मुकाबले में 32 गेंदों पर 44 रन बनाए थे, जिसमें 2 शानदार चौके और 1 बड़ा छक्का भी शामिल था। अगर दोस्तों हम ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन ने भी निडर होकर बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों पर 89 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 10 चौके और 3 बड़े छक्के भी लगाए। दोस्तों हमने अपनी टीम में शामिल किया है श्रेयस अय्यर और दीपक हुड्डा को, ये दोनों बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। दोस्तों अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने पिछले मुकाबले में श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी पिटाई की जिनसे उनके पसीने आ गए। श्रेयस अय्यर ने अंत में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों पर 57 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 5 शानदार चौके और 3 लंबे लंबे छक्के भी लगाए। तो इसके बाद हमने अपनी टीम में शामिल किया रविंद्र जडेजा और वेंकटेश अय्यर को। दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से एक है। उन्होंने पिछले मुकाबले में भी अपना ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाते हुए भारतीय टीम को वो मुकाबला जिता दिया था। रविंद्र जडेजा ने तो पिछले में 4 ओवर में 28 रन देकर 2 बड़े विकेट अपने नाम किए। दोस्तों अगर हम वेंकटेश अय्यर की बात करें तो वेंकटेश अय्यर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 36 रन देकर 2 बड़े विकेट अपने नाम किए। इन दोनों खिलाड़ियों ने लगभग आधी श्रीलंका की टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद दोस्तों हमने अपनी टीम में शामिल किया है भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और आवेश खान को। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि ये तीनों किस किस्म के गेंदबाज हैं। जब ये गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो उस विपक्षी टीम के बल्लेबाज इनके सामने घुटने टेक जाते हैं। दोस्तों अगर हम भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने पिछले मैच में शुरुआत के ओवर की पहली ही गेंद पर श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया था। दोस्तों इससे पता लगता है कि भुवनेश्वर कुमार कितने अच्छे गेंदबाज हैं। अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह अंतिम के कुछ ओवर में ऐसी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं जिससे टीम के बल्लेबाजों को रन बनाने में तकलीफ होती है और अंत में अपना विकेट गंवा बैठते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में आवेश खान वापसी कर सकते हैं क्योंकि हर्षल पटेल का प्रदर्शन इतना शानदार नहीं रहा था, तो हमको लगता है कि शायद आवेश खान दूसरे T20 में बेहतर प्रदर्शन करें और भारतीय टीम को जीत दिलाने में सहायता करेंगे। दोस्तों इसके बाद हमने अपनी टीम में शामिल किया है भारत के सबसे चतुर स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को। दोस्तों युजवेंद्र चहल इतनी चालाकी से गेंदबाजी करते हैं कि शायद ही उनकी फिरकी के जाल से दुनिया का कोई भी बल्लेबाज बच पाया हो। युजवेंद्र चहल भारतीय टीम के गेंदबाजों को बाहर की गेंद डालते हैं, अब उनको बड़े शॉट्स खेलने का लालच देते हैं और इसी बीच युजवेंद्र चहल वाइड गेंद डालकर बल्लेबाज को विकेट कीपर के हाथों स्टंप करवा देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने अपनी टीम में शामिल किया है युजवेंद्र चहल के मित्र कुलदीप यादव को। इनको पिछले कुछ वर्षों से भारतीय टीम गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हमको उम्मीद है कि इस मुकाबले में आकर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों ये थी भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है कि इस बदलाव की आवश्यकता है? आप हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।